गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फ्री में कैसे जो थीम वगैरह है उसको वीवो के फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली जिन जिन फोन के ऊपर अभी भी एंड्रॉयड टेन का अपडेट मिल चुका है मतलब वीवो के जिन जिन फोन के ऊपर एंड्रॉइड टेन का अपडेट मिल चुका है और उनके फोन का जो थीम स्टोर का वर्षन हो चुका है सिक्स ठीक है एंड्रॉइड टेन अपडेट देने के बाद बहुत सारे बंदों का सिक्स का वर्सन देखने को मिल चुका है तो वो बंदे अभी फिलहाल फ्री में कोई भी थीम या पर वीवो के फ़ोन के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे बेसिकली ये हुआ है गैस वो जो थीम वर्जन है यहाँ पर विवो ने ऐसे पर चेंज कर दिया थीम वर्जन को कि आप यहाँ पर कोई भी फ्री का थीम अप्लाई नहीं कर सकते बहुत से यूट्यूबर है जो यहाँ पर थीम के ऊपर वीडियो वगैरह बनाते हैं वो भी यहाँ पर स्टार्टिंग में मैं देखते हूँ बोल देते हैं कि अगर आपके पास थीम आई थीम का वर्जन जो है सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री है तो आप कोई भी थीम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो बेसिकली गाइस आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मैं आपको तो एकदम पूरा एक सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी थीम जो है अभी आप फ्री में अप्लाई कर सकते सिक्स पॉइंट इस वर्जन के ऊपर ठीक है तो अभी फिलहाल ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना कहीं पर स्कीप पर करना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कुछ आपको यहाँ पर समझ होगा इस वीडियो के अंदर तो डेमो के लिए मैं यहाँ पर गैस एक वाटर नाम का एक थीम यहाँ पर ले लेता हूँ जो मेरे फोन के ऊपर है और बाय द वे गाइज ये जो वीडियो बनाना के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प किया है वो बेसिकली पर इस ट्रिक के बारे में मैंने को मतलब मेरे को उसने पर बताया और अभी फिलहाल वो बोल रहे, अभी फोन के ऊपर काम करे देख सकते हैं कि सिक्स वन के ऊपर अगर फोन फ्री में अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर अभी काम करें। देखते हैं अगर हो जाए तो आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो जरूर मिल जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्न पर क्लिक कर देना देखते हैं फिलहाल तो काम करे अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है ठीक है तो आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो जरूर मिल जाएगी तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो वाटर का जो थीम है मैं अभी पर जो मैंने कॉपी किया था। उसको मैं यहाँ पर जो डॉट डी डी डब्ल्यू फोल्डर है उसके अंदर जो टी नाम का फोल्डर है पर पर मैंने इस थीम को पेस्ट कर दिया है अप्लाई करते हैं कहाँ पर इसको पेस्ट करना होता है तो गैस मैं आई थीम का जो एप्लीकेशन है इस पर चला जाता है तो देख सकते हैं जो वाटर का जो थीम मैंने पेस्ट किया पर कोई थीम नहीं दिखा रहा था मेरे फोन के ऊपर जो लास्ट थीम था आई थीम के ऊपर वो था गैस, जो पेज थीम है वही दिखा रहा है कोई आई थीम के ऊपर कोई नया थीम नहीं दिखा रहा है तो मैं फिर से आई थीम को जो है रैम से क्लियर कर दिया हुआ केयर करने के बाद भी गायस यहाँ पर जो वाटर का जो थीम है यहाँ पर नहीं आ रहा नहीं शो हो रहा है ठीक है तो अभी फिलहाल गाइज एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ मैं एक और एक और थीम यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वाटर का ही बस बोलेंगे सिर्फ वाटर थीम के ऊपर हो सकते कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं दिखा रहा तो मैं आपको आई क्यू का भी थीम यहाँ पर दिखा देता हूँ ठीक है आई क्यू का जो थीम है ए भी गाइज यहाँ पर मैंने फिर से इसको कॉपी कर लिया फिर इस गाइस ये पर डी डी में जाकर टी फोल्डर के अंदर इसको सिंपली गाय से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं टी फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पर मैं इसको गैस यहाँ पर अभी फिलहाल पेस्ट करने वाला हूँ ठीक है वीडियो को कहीं पर

हो चुका है आई थिंक का उनको ये प्रॉब्लम बेसिकली पर हो रहा है और एक और चीज मैं बताना भूल गया था ये आईक्यू फाइव का जो थीम है मेरे साथ भाई यहाँ पर आदित्य तो भाई ने यहाँ पर शेयर किया था तो उनका मैंने में थैंक्स थीम शेयर करने के लिए उन्होंने थीम शेयर किया था मैंने देखा मेरे फोन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था ये बहुत ही अच्छा एक थीम है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर और जिसके बारे में मेरे को जो है शुभजीत भाई ने बहुत ज्यादा हेल्प किया और देख सकते हैं टी फोल्डर के अंदर ना अभी फिलहाल कोई भी आपको थीम ही देखने को नहीं मिल लेगा मतलब जो मैंने आई का थीम पेश किया था वाटर का थीम पेश किया था कुछ भी थीम यहाँ पर नहीं है मैंने उसको डिलीट भी नहीं किया ऑटोमेटिकली फोन के अंदर से डिलीट हो गया तो अभी फिलहाल जो है मेन वीडियो स्टार्ट मैंने यहाँ पर जो वाटर का था थीम है उसको मैंने पर कॉपी कर लिया अभी फिलहाल उसको कॉपी करने के बाद आपको एक ऐसे जगह पर उसको पेस्ट करना है कि मतलब आपको एक नया फोल्डर बनाना है जिस फोल्डर को आपने कभी भी यूज नहीं किया मतलब आपको न्यू फोल्डर बनाना है वहाँ पर जाके इस थीम को जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है जैसा कि मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मेरे एच कार्ड के अंदर आप डिवाइस स्टोरेज के अंदर भी बना सकते हो मैं एच कार्ड के अंदर जाके फोल्डर बना चुका हूँ जिसका नाम है टी ट्रिपल एच तो उसके अंदर जाके मैंने इस वाटर का जो थीम है इसको मैंने पर पेस्ट कर दिया है ठीक है तो अभी फिलहाल गैस इस वाटर का थीम पेस्ट, पेस्ट कर दिया तो आपको गैस आपके फोन के ऊपर एक न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसका लिंक मैं डिसीशन बॉक्स में दे दूंगा तो डिसन बॉक्स में जाकर इस थी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपलोड डा, डाउनलोड कर लेना ठीक है डाउनलोड करने के बाद आप इस जो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन करके मैंने जो मेरा वाटर थीम जहां पर मैंने जिस फोल्डर के अंदर पेस्ट किया है इस जिगट के अंदर वहां पर मैं चला गया हूं जस्ट इसके ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है इस एप्लीकेशन के अंदर जो फाइल मैनेजर के अंदर देखने को नहीं मिलता वीवो का एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन ठीक है तो इस फाइल से आपको मतलब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इस थीम को जस्ट यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करना है ठीक है इस थीम का जो फाइल है इसको जस्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है मैं एक और बार बोल देता होगा पर वीडियो को कभी स्किप मत करना सही से पर वीडियो को देखना समझ नहीं आएगा आपको तो चुका है पर हो जैसे कि आपके सामने आप देख सकते। तो एक्स्ट्रा कंप्लीट होने के बाद आपको चला जाना है वीवो का जो नॉर्मल के अंदर मैं चला जाता हूं देख सकते मेरा जो टी का जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर सिर्फ वाटर का ही थीम था बहुत सारे फोल्डर यहाँ पर नया पर क्रिएट हो चुका है जो यहाँ पर मैंने अभी अभी एक्सट्रैक्ट किया है ना उस एप्लीकेशन से तो सारे फोल्डर यहाँ पर ऐड हो चुके है तो पर आपको सिंपली एक और चीज करना होगा आपको नीचे एक वीवो नाम का एक आपको मतलब

थीम है जो मैंने यहाँ पर को पेस्ट किया था ठीक है उसको मतलब वाटर का जो थीम है मैंने जो यहाँ पर पेस्ट किया था उसको सिर्फ छोड़ के सारे फोल्डर को मुझे यहाँ पर कंप्रेस कर देना ठीक है तो कंप्रेस के मैं यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ देखो मैंने सारे फोल्डर सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट किए थे ना उस एप्लीकेशन की मदद से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे एक्सट्रैक्ट किए थे उन सभी फोल्डर या फिर फाइल को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया सिर्फ वीवो का जो वाटर का जो थीम था मतलब वाटर का जो थीम था उसको छोड़ के सारे फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया फिर मुझे इसको जस्ट कंप्रेस करके जिप फाइल में लेके जाना है तो मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक कर दूंगा फिर यहाँ पर कंप्रेस पर क्लिक करूंगा फिर यहाँ पर मुझे आपको जिप फाइल का जो है इस पर ऑप्शन वगैरह जो है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा तो जिप फाइल का ऑप्शन देख सकते जिप फाइल यहाँ पर तैयार हो चुका है मेरा इस जिप फाइल के अंदर मैंने जितने भी फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए तो सारे इस जिप फाइल के अंदर सेव हो चुके हैं तो अभी फिलहाल मुझे सारे जो फोल्डर वगैरह यहाँ पर थे इस टी टीपल एच फोल्डर मतलब फोल्डर के अंदर जितने भी अदर फाइल वगैरह थे उसको मुझे यहाँ पर डिलीट करना है सब जिप फाइल को छोड़ कर ठीक है तो मैं यहाँ पर सिंपली गए इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ टोटल आपको ट्वेंटी नाइन फाइल आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको इसको ट्राई करना हो तो वैसे यहाँ पर देख सकते मैंने सारी को डिलीट कर दिया सब जिप फाइल को छोड़कर जिप फाइल गए यहाँ पर आपको कुछ ऐसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर गए सिर्फ इसको एक और काम करना है इस जिप फाइल के ऊपर क्लिक करना फिर इसका गैस जो है नाम यहाँ से गैस चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो इसका जो नाम है मैं नेम पे क्लिक करके चेंज कर देता हूँ आपको नाम क्या रखना है वही मैं बता देता हूँ तो सिर्फ आपको गैस जो थी थीम का जो नाम है जैसे कि इस थीम का नाम था वाटर थीम तो मुझे इसको रखना है गैस वाटर और फिर उसके बाद लिखना है डॉट आई टी जेड डॉट आई टी जेड लिखने से फाइल जो है कॉम्प्रेस हो जाएगा यहाँ पर एक और बार तो देख सकते हो जिप फाइल से अनजिप फाइल में तैयार हो चुका है इसका जो है अभी थीम वर्जन जो है इसका रेडी हो चुका है अभी तो फिलहाल मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता तो, हूँ कॉपी करने के बाद जो है गैस इसको डॉट डी डब्ल्यू डी का जो फोल्डर है मतलब फाइल मैनेजर के अंदर जो डॉट डी डब्ल्यू डी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो उस वहाँ पर जाकर मैं टी फोल्डर में इसको पेस्ट करता हूँ जैसे आप नॉर्मल थीम वगैरह जो है अप्लाई यहाँ पर करते हैं वही यहाँ पर सिम आपको यहाँ पर करना है फिर मैं यहाँ पर गए आई थीम को जो है यहाँ पर ओपन कर लेता तो हूँ बट उससे पहले मैं देख लेता तो हूँ मेरे फोन के रैम में आई थीम है कि नहीं हाँ है तो उसको मैंने यहाँ पर उड़ा दिया है आई थीम को तो फिर से मैं गई यहाँ पर आई थीम को जो है यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ फिर गए मैं यहाँ पर लोकल ऑप्शन पर चला जाता हूँ लोकल ऑप्शन पर जाने के बाद पर जो लोकल थीम है उसके ऊपर जाने के बाद देख सकते हैं। पर जो मैंने अभी अभी जो थीम किया था रेडी वाटर का थीम जो मेरे को सुभजित भाई यहाँ पर शेयर किया है तो वहाँ पर अप्लाई हो चुका है मतलब इसका फ्री में अप्लाई अभी कर सकते हैं पर शो भी हो रहा है और गैस यहाँ पर मैं एक और बार बोल देता तो हूँ हम लोग अभी फिलहाल जो ये फोन के ऊपर ट्राई करें अगर हो जाए तो इस इस्टल पर आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी फोन के बारे में अगर आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो कोई भी कुछ ट्रिक वजह से मतलब क्रिक ट्राई करके अगर फ्री में अप्लाई कर सकते हो तो आपको इस चैनल वीडियो मिल जाएगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बेल आइकन पर बटन पर क्लिक करना वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना तो गैस यहाँ पर मैं फिलहाल इसको अप्लाई नहीं करूँगा मैंने आपको दिखाने के लिए पर किया है और बहुत से बंदे ऐसे ही बोल सकते हैं से वाटर थीम ही होगा जो ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बाकी थीम नहीं होगा तो मैं आपको आईक्यू का भी यहाँ पर डेमो आपको दिखा देता हूँ आईक्यू का भी पर स्मॉल एक डेमो दिखा देता हूँ आईक्यू का भी गाइज यहाँ पर सेम ही है आपको जो है फाइल को फिर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो एप्लीकेशन का लिंक है मतलब जिस एप्लीकेशन से आपको इस फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करना होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना ठीक है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं इस फाइल को फिर से, से गैस यहाँ पर एक्स्ट्रक कर अभी अप्लाई कर सकते हो जैसा ट्रिक मैंने आपके यहाँ पर बताया फिर से गए से पर देख सकते जो एक्स्ट्रक फाइल है उसके अंदर मैं चला गया हूँ चला जाने के बाद सिर्फ वीवो का जो नाम है यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है वैसे सिंपल सही है सिंपल सही ट्रिक है बस ये जो वीवो का नाम जो है ना इसको चेंज करके विवो वन रखना पड़ता है बस यही सबसे मेन पॉइंट है और जो फाइल को है हमको एक्स्ट्रा करना पड़ता है वैसे एक्स्ट्रा कप्शन अगर जो वीवो का फाइल में जो उसके अंदर दे देता तो सही होता तो नहीं दिया है तो इसलिए हमको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ रहा है तो यहाँ पर सिंपल सही गैस गई जो मैंने पर सारे ऑप्शन को जो सिलेक्ट कर लिया है फिर से पर के मैं क्लिक कर रहा कम्... तो मैं बहुत बार इसको कर, को बड़ा करके लिखा कैपिटल में लिखा छोटा करके लिखा बहुत बार फाइल को फिर मुझे वही एक्स्ट्रा फाइल फिर से दिखा रहे थोड़ा एक गाय के सामने मिल गया तो मैं आपको सोल्यूशन ठीक है तो मैंने जो आईक्यू का फाइव था आईक्यू का फाइव का जो थीम था उसको मैंने एक न्यू फोल्डर में पेस्ट किया था जिसका नाम था टी डबल एच और आपको पता होगा वाटर का जो फोल्डर का जो नेम था उसका था टी ट्रिपल एच और मैंने अभी न्यू फोल्डर बनाया जिसका नाम है टी डबल एच आप कोई भी नाम के पर फोल्डर बना सकते हैं मैंने जस्ट यहाँ पर रैंडमली टी डबल एच ये पर लिखा है ठीक है तो जैसे ही जैसे एक और बार देख लीजिए मैंने इसको चार से पाँच बार इसको डी कंप्रेस किया बट मुझे जो एक्स्ट्रा फाइल है फिर से पर मिल रही थी मुझे थीम यहाँ पर नहीं मिल रहा तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मेरे से गलती हो गई कि मैं पर टी डबल एच फोल्डर को जो है इस पर ओपन करो देखना है पर मैंने आई क्यू फाइव आई टी जेट को मतलब कितने फोल्डर यहाँ पर डी किया है बहुत सारे फोल्डर डीकमप्रेस करने के लिए यहाँ पर मुझे थीम यहाँ पर नहीं मिल रहा था तो इसलिए गएस तो थीम का फाइल यहाँ पर नहीं मिल रहा था इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा सारे आई क्यू फाइव जो डॉट आई टी जेड जितनी भी फाइल मैंने डीकम्प्रेस किया था उसको मुझे ऐसा डिलीट करना होगा जैसे कि गैस मेरे आपके सामने ऐसा डिलीट कर रहा हूँ सारे को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ इसके लिए मुझे यहाँ पर थीम जो है नहीं मिल रही थी इसी प्रॉब्लम के कारण तो फिर से गैस मैं यहाँ पर टी डबल एच फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ टी डबल एच फोल्डर के अंदर जाने के बाद जो है जी फाइल को जो है फिर से मैं फाइव डॉट आई टी जीरो पर के, फिर से इसको थीम में अप्लाई कर पाऊंगा अभी और एक और चीज आई थिंक यहाँ पर जो जितने भी बंदे के ऊपर वीडियो बनाते थे, थे वो आई थिंक अभी से पर नहीं बोलेंगे सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट थ्री वन थी जिनका थीम का आई वर्सन है वो कोई भी थीम यहाँ पर नहीं यूज़ करते थीम को नहीं यूज़ कर पाएंगे तो आई थिंक अभी वो थीम को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और अगर यूट्यूबर को इस ट्रिक के बारे में पता नहीं होगा ठीक है तो आई होप वो भी इस इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं तो सबकी हेल्प करना चाहिए सारे यूट्यूबर को बोल रहा हूँ कि आप भी वीडियो बनाओ ऐसे ऐसे ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाओ हर एक यूट्यूबर को हर एक उनके व्यूअर्स को उनके सब्सक्राइब यहाँ पर हेल्प करना चाहिए बाकी गाइज यहाँ पर मैं फिर से आपको आई क्यू फाइव का थीम अप्लाई करके दिखाया है तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डॉट डी डब्ल्यू डी टी के अंदर मैंने पेश कर दिया है ठीक है पेश करने के बाद मैं आई थीम को जो एप्लीकेशन है इसको मेरे फ़ोन के ऊपर से हटा देता हूँ फिर मैं आई थीम एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ फिर लोकल में जाता हूँ फिर लोकल में जाने के बाद जो है लोकल थीम में चला जाऊँगा वहाँ पर मुझे जो है जो आई क्यू फाइव का जो फोल्डर है या फिर थीम है यहाँ पर मुझे मिल जाएगा जिसको मेरे को आदित्य भाई ने यहाँ पर शेयर किया था आई क्यू फाइव का तो बाकी गर्स यहाँ पर आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी अगर आपको समझ आई है तो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं फोन के ऊपर भी शुजित भाई और मेरे पर ट्राई करो देखते फोन फ्री में अप्लाई हो पाता है कि नहीं तो तो बाकी अगर फॉर्म फ्री में अप्लाई हो जाए तो डेफिनेटली इस चैनल पर ऊपर आपको सबसे पहले वीडियो वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी और बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकता है अगर थीम अप्लाई करने के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ आप पर आपको बता दूंगा ठीक है अगर उसका मुझे सोल्यूशन आता है तो बाकी बस वीडियो को एक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब